तो भाई आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि भैया ये बता दो हमारे राज्य में कितने फॉर्म भरे गए हैं नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स के लिए इस साल। बहुत लोग पूछ रहे थे भैया इस ज़िले में कितने फॉर्म भरे गए हैं, मेरे ज़िले में कितने फॉर्म भरे गए हैं, मेरे ब्लॉक में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आपको ये जो डिटेल है ये आपको कोई भी ये डिटेल नहीं दे सकता, ठीक है, कि आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके स्टेट में, आपके ब्लॉक में, मतलब कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। बट हमने ऊपर के ऑफिसर से, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिसर हैं, हम और हमारे दोस्त शिवम मिश्रा, जिनका चैनल है जेएनवी पाठशाला, आपको पता होगा, हम लोगों ने मतलब उनसे ये पूरी की पूरी डिटेल ली है। ये बिल्कुल ऑफिशियल डिटेल है, अभी मैं आपको पूरा शो करूंगा, ठीक है। इसको कैसे देखना है, आपके स्टेट में कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपके ज़िले में कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपके आपके ब्लॉक में कितने फॉर्म भरे गए हैं, हर एक डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे देखना है, ठीक है ना। तो घबराने का नहीं है, ठीक है, आप लोग जो जो डिमांड कर रहे हो उस प्रकार की हम लोग वीडियो ला रहे हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कितना, जैसे मान लीजिए कि कितना फॉर्म भरा होगा तो कंपटीशन बहुत हार्ड होगा, कितना भरा गया होगा तो कंपटीशन आपके मतलब जिले में थोड़ा सा मीडियम होगा, कितना फॉर्म भरा गया होगा कि आपके जिले में कंपटीशन जो है बिल्कुल ही लो होगा, ठीक है। ये सभी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है, मतलब इसमें दो प्रोसेस है देखने का, ठीक है, मतलब दो तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। जो पहला प्रोसेस है वो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उसको थोड़ा सा नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम ऐप आपका खुल जाएगा, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारा मतलब टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको साफ दिख रहा होगा टोटल रजिस्ट्रेशन ब्लॉक वाइज, ठीक है ना, मतलब ब्लॉक वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसमें सब है, तो आपको घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी लिख दिया आपको कैसे देखना है, ठीक है। बट एक चीज़ नोट कर लीजिए, इसको देखने के लिए, मतलब कि इसको देखने के लिए आपके पास एक ऐप होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये PDF नहीं है, ये XLSX के फॉर्म में है, ठीक है ना, ये भी PDF का एक फॉर्म ही होता है बट PDF नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसको देखने के लिए आपके पास नॉर्मली एक ऐप होना चाहिए जिसका नाम है ऑल डॉक्यूमेंट्स रीडर। आप जाएंगे प्ले स्टोर पे या फिर आप जाएंगे मतलब नॉर्मली ऐप स्टोर पे, दोनों पे आपको अवेलेबल होगा ऑल डॉक्यूमेंट्स रीडर। जैसे आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, सबसे पहला जो ऐप आएगा, सबसे ऊपर वाला, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं ये मतलब ऐप का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको जो मर्जी वो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, इसमें रोक नहीं है। बट चूंकि मैं उस ऐप को यूज करता हूँ, मैं मतलब उस ऐप को यूज किया इसको देखने के लिए, दैट इज वाई मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जब आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए ऑल डॉक्यूमेंट्स रीडर यही वाला ऐप है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह तो भैया आते ही रहता है, इसको कट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रोल करके दिखाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर देखिए आंध्र प्रदेश में टोटल कितने फॉर्म है, अरुणाचल में कितने हैं, आसाम में, बिहार में, सब बता रहा है कितने कितने फॉर्म है। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज दिख रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर ब्लॉक वाइज। मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पर चला जाता हूँ, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज पर चलने के बाद आप नीचे जाएंगे तो फिर आपको मतलब मान लीजिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जिले हैं अरुणाचल प्रदेश के सामने आपको दिख रहा है, आंध्र प्रदेश के जितने जिले हैं उसके सामने दिख रहा है, और जिले के सामने जो नंबर लिखा हुआ है मतलब कि जिले में उतना फॉर्म भरा गया है। अब मान लीजिए आपको जिले में भी ब्लॉक का जाना है तो ब्लॉक वाइज पे जाएंगे। देखिए, आपके लिए इतना कोई भी यूट्यूबर नहीं करता, आप एक भी यूट्यूबर का नाम बता दीजिए, केवल हम दो तीन यूट्यूबर को छोड़ करके ऐसा कोई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए सोचिए, मतलब इतनी डिटेल किसी से पाना, आप खुद सोचिए। देखिए, मान लीजिए मैं ब्लॉक वाइज पे गए तो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर देखिए गुटी ब्लॉक में 455 फॉर्म भरा गया है। फिर देखिए हिंदूपुर में कितना फॉर्म भरा गया है, भाई हिंदूपुर में 681 भरा गया है। इसको आप स्क्रॉल कीजिएगा, अपने राज्य में जाएगा, मान लीजिए अगर आपका राज्य, जैसे सपोज मानिए कोई भी राज्य आप ले लेते हैं, इसको और स्क्रॉल कीजिए, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे देखिए अब अरुणाचल प्रदेश आ गया। अरुणाचल प्रदेश में तिराप जिला है, उसमें कोई वक्का नाम का कोई ब्लॉक है, मतलब सोचिए इतना ज़्यादा डिटेल हमने उनसे मंगाया हुआ है, ठीक है ना, और ये 100% ऑफिशियल है, ठीक है। तो ये तो था भैया पहला तरीका मतलब देखने के लिए, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जब आप क्लिक करोगे वो गूगल ड्राइव का लिंक होगा। देखिए, तो गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लेगा 10-20 सेकंड का, उसके बाद गूगल ड्राइव में भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल सेम चीज़ गूगल ड्राइव में भी ओपन होगा, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको पूरा डिटेल समझा देता हूँ भाई कि कैसे चेक करना है, और आपके राज्य में और आपके ज़िले में कितने फॉर्म भरे गए होंगे तो कॉम्पिटिशन थोड़ा सा मतलब लो होगा, कितने भरे गए होंगे तो कॉम्पिटिशन हाई,
होगा, कितने भरे होंगे, तो मतलब कॉम्पिटिशन जो है वो मीडियम होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ चेक कैसे करना है। सबसे पहले देखिए स्टेट वाइज आपको सभी स्टेट का और सभी यूनियन टेरेटरी का मिला करके 36 में सभी स्टेट भी हैं, सभी यूनियन टेरेटरी भी हैं। ठीक है, सबका बताया है टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। टोटल भाई आप लोगों को पता होना चाहिए इस साल टोटल 24 लाख फॉर्म भरे गए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेट में मान लीजिए आपको अगर डिस्ट्रिक्ट का देखना है तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, डिस्ट्रिक्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का आपको दिखाता हूँ। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे मेरा मतलब कि सबसे पहले मैं बता दूँ मेरा उत्तर प्रदेश में मेरा पड़ता है देवरिया। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश में चलता हूँ, वो भी तो गुजरात है, हरियाणा है, फिर कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, स्क्रॉल करते रहिए उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी आ गया। देखिए यूपी में, ठीक है, यहाँ पर यूपी के सामने आपको सभी यूपी के मतलब जिले का नाम दिख रहा होगा। देखिए बरेली, बुलंदशहर, फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, मेरठ, रायबरेली, नीचे चलते जाइए ललितपुर, मतलब कानपुर नगर, गोंडा, इलाहाबाद, जितने फॉर्म भरे गए सबका बता देगा। ठीक है, मैं इसको और स्क्रॉल करता हूँ, अभी मेरे जिले का भी नाम आ जाएगा इसमें कहीं होगा। ठीक है, मैं अब तक चेक नहीं किया हूँ, मैं सोचा कि वीडियो बनाऊंगा तो उसी टाइम देखूंगा। देखिए 69 नंबर पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देवरिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 69 नंबर पर था, नीचे से लगे यहाँ पे। ठीक है, 69 नंबर पर आपको दिख रहा है देवरिया, 4029 फॉर्म देवरिया में भरे गए। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए देवरिया के बाद मुझे मान लीजिए देवरिया के किसी ब्लॉक का देखना हो, मैंने हर जिले में कितने बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, फिर मैं ब्लॉक वाइज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और अपने ब्लॉक में जाकर के चेक करना पड़ेगा कि भाई आपके किस किस ब्लॉक में कितने कितने फॉर्म भरे गए। ठीक है, अब मैं कंक्लूड करता हूँ कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में कितना फॉर्म भरा गया होगा तो कॉम्पिटिशन मीडियम होगा, कितना भरा गया होगा तो कॉम्पिटिशन हाई होगा। इसको ऊपर कर दें एक मिनट। ठीक है, कितना भरा गया होगा तो कॉम्पिटिशन हाई होगा और कितना भरा गया होगा तो कॉम्पिटिशन लो होगा। ठीक है, देखिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 1000 ठीक है 1000 या फिर 1000 से कम फॉर्म भरा गया है तो समझिए कंपटीशन बहुत ही लो है, लो नहीं बहुत ही लो है, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 1000 या फिर 1000 से कम, ठीक है ना। और अगर मतलब 1000 से ज़्यादा हो और फिर 3000 तक हो, 1000 से ज़्यादा और 3000 या 3500 तक हो, तो आप समझिएगा कि कंपटीशन तभी भी लो है। ठीक है, 1000 या 1000 से कम होगा तो कंपटीशन बहुत ही लो है, आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन 1000 से लेकर के 3000 या 3500 तक होगा तो समझिएगा, ठीक है, कंपटीशन थोड़ा सा मतलब कि लो है लेकिन उतना लो नहीं है। ठीक है, और अगर 4000 से लेकर के 4000 से लेकर के और मतलब 3500 से लेकर के या फिर 4000 से लेकर के, मैं अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, 3500 या फिर 4000 से लेकर के और 8000 तक है, 7000 या 8000 तक है, तो आप समझिएगा कि कंपटीशन जो है वो मीडियम है। ठीक है ना, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, ना ही बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, कंपटीशन मीडियम है। ठीक है, और अगर 8000 से ज़्यादा है, 8000 से 10000 के बीच में है, तो समझिएगा हार्ड है, कंपटीशन आपके ज़िले में हार्ड है। ठीक है, और अगर 10000 से ऊपर है तो समझ लीजिएगा भैया कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक आइडिया दे दिया भैया, अपने अपने ज़िले में आप चेक कर लीजिएगा और उस हिसाब से। लेकिन अब देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, इतना आपके लिए कोई भी यूट्यूबर नहीं कर रहा होगा, केवल हम ही 2-3 यूट्यूबर को छोड़ करके। ठीक है, सब लोग व्यूज़ पाने के चक्कर में लगे हुए हैं भैया, आप जो वीडियो बोल दे रहे हो कि भैया ये वीडियो चाहिए, ऑफिसर तक जा करके ऑफिसर से मेल लिख करके उनको 5-5 बार हम लोग मेल लिख रहे हैं ताकि वो रिप्लाई करें, वो रिप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखिए वो PDF में नहीं भेजे थे, वो XLSX के फॉर्म में भेजे थे, इसको खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो हमने इसको खोल करके दो तरीके में आपको बताया। पहला तरीका है कि आप जाइए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाइए धमाका स्टडी वाले को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद वहाँ पे आप ऑल डॉक्यूमेंट रीडर नाम का कोई एक ऐप है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके देख लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, नीचे बस आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल रहा होगा, गूगल ड्राइव पे लिंक पे बस आप क्लिक कीजिए, डायरेक्टली ये वाला खुल जाएगा, और ये वाला खुलने के बाद आप अपना अपना जिले राज्य जिसका देखना है देख लीजिए, और बिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं भाई, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, मेहनत कर रहे हैं भाई, आपका केवल एक क्लिक लगेगा। ठीक है ना, और अब तो हम महामैराथन वीडियो ला रहे हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पर वीडियो ला रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि हम दावा किए हैं अगर हमारे सभी महामैराथन वीडियो को देख लिए तो 80 क्वेश्चन जो आएगा, 80 क्वेश्चन में बहुत कम भी सही होगा तो आपका 70 क्वेश्चन तो जरूर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सभी महामैराथन वीडियो को आप देख रहे हो तो, ठीक है ना, तो भाई चैनल को अपने लिए सब्सक्राइब करो क्योंकि महामैराथन वीडियो जा रही है। ठीक है, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एक मिनट रुको, अभी मेरी एक बात सुनो, अभी जाना नहीं, ठीक है, एक मिनट रुको। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल और केवल 59 रुपीज में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ केवल 59 रुपीज में, ठीक है ना, यहाँ कोई पैसे का गेमिंग नहीं हो रहा, आप ये मत समझिए कि हाँ पैसा लेकर सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। 59 रुपीज में हम आपको क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्लियर करता हूँ।
मैंने अपने 23 जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स मतलब जो पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में उन दोस्तों को मिला करके 47 डेज की मेहनत के बाद आप सभी लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, हिंदी हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग हिंदी में पेपर दें, बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश में पेपर दें, दोनों लोगों के लिए जो हिंदी और जो इंग्लिश में पेपर देना है उन दोनों लोगों के लिए केवल और केवल 59 रुपीज़ में हमने हिंदी वालों के लिए 30 मॉडल पेपर, सोचिए आप कहीं से भी कर देंगे तो 30 मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा, 20 मॉडल पेपर या 25 मॉडल पेपर 200 रुपये या 250 रुपये में आपको देंगे, ठीक है। हम 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, सोचिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर OMR शीट दे रहे हैं, इतना कुछ हिंदी वाले में हम आपको दे रहे हैं। 400 से ज़्यादा की PDF हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे 59 रुपीज़ में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे परचेज करना है। और इंग्लिश वालों के लिए हम 25 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हिंदी में 30 और इंग्लिश में 25, आगे सुनिए, 25 मॉडल पेपर इंग्लिश के लिए, उसके साथ साथ पिछले 19 इयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर मतलब कि 2002 से लेकर के 2020 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। 3000 से ज्यादा क्वेश्चन दोनों में है सोचिए, और 500 पेजेस से ज्यादा की PDF हम आपको इंग्लिश वालों को दे रहे हैं। इंग्लिश वालों की मेन प्राइस 69 रुपीज़ है, बट केवल कुछ दिन के लिए 59 रुपीज़ है। सोचिए इतना कुछ आपको कोई नहीं आप लोगों के लिए करता है, दिन रात एक कर दिया है हमने आप लोगों के लिए केवल 59 रुपीज़ में। सोचिए इतना कुछ हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग नेट बैंकिंग वगैरह नहीं यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने चौराहे पर जाइए, साइबर कैफे से पे करा दीजिए, आप अपने किसी दोस्त से पे करा दीजिए, ठीक है ना। आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर अब 11 अगस्त को देखिए डिक्लेयर हो चुका है, आपके पास 20 डेज एक्यूरेट 20 डेज है, और इतना कुछ स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जाइए अभी के अभी परचेस कीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे परचेस करना। आपको ये वाला आपको पीछे अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ सवाल आपकी जिंदगी का है, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा ही ओपन होगा, ठीक है। ये हमारी खुद की ईबुक है, आपको फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, इसमें जो जो है मैंने उसमें सब आपको बता दिया है, ठीक है। अगर परचेज के दौरान आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ हमने अपना मेल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। परचेज करने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते यहाँ पर हमसे ईमेल मांगेगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक ईमेल कोई भी भर देते हैं अपना, ठीक है ना, हम अपना ईमेल मान लीजिए भरते हैं, ठीक है। ईमेल भरने के बाद फिर हमसे यहाँ पे नीचे फोन नंबर मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना फोन नंबर जैसे ही भर देंगे, फोन नंबर भरने के बाद हमको पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा पे करने के लिए, एयरटेल मनी से पे करेंगे, कार्ड से पे करेंगे, फिर UPI से पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, वॉलेट करेंगे, मतलब जहां से भी आप चाहें वहां से पे कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करके उस पे करेंगे, पे करने के बाद जो आपको वेबसाइट खुलेगी, जैसे ही आप पे कर देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, जो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उस पे आपको 20 से 30 सेकंड वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका PDF है वो आपको खुल जाएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं खुल रहा है तुरंत PDF, तो तुरंत वो बैक का बटन दबा दे रहे हैं। जैसे ही बैक का बटन दबा रहे हैं तो हम लोग से संपर्क टूट जा रहा है, इसीलिए उनको PDF नहीं मिल पा रहा है, तो दोबारा फिर हमको PDF मजबूरी में अपने ओर से फिर दे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप पे करेंगे, जब पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपको वहां पर रुक जाना है थोड़ी देर, क्योंकि वो रिडायरेक्टिंग करते रहेगा, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड आपको वेट करना है, फिर ओपन हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी जिंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए, हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो टोटल 2800 से ज्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा, इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगा है, 47 दिनों की मेहनत लगी है, केवल और केवल आप लोग के लिए। आपका सवाल जिंदगी का है आपके, केवल 59 रुपए में आप इसको जरूर परचेस कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, मैं आपको बता दूं, अगर परचेस करने के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आए, दोनों को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। दोनों ई बुक को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, ठीक है ना, मतलब कोई प्रोसेस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर परचेस करने के दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो आप ये मत समझिएगा कि हाँ अमृत भैया मतलब मेरा ई बुक लेके भाग गए, पैसा लेके भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप मुझे तुरंत धमाका study10072007@gmail.com जिसको हमने वहाँ पर दिया है उस पर जीमेल कीजिए कि भैया हमको ये दिक्कत आ रही है, या फिर 7080700233 जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर कॉलिंग और मैसेजिंग अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सअप भी अवेलेबल नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं तुरंत आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते
सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 11 अगस्त को पेपर है, रेडी हो जाओ, आग लगा देनी है पेपर में, ठीक है, बवाल मचा देना है। अभी चैनल को करो सब्सक्राइब और बिल्कुल रेडी हो जाओ, जाओ ई बुक को करे परचेस। ठीक है, तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैराथन वीडियो जाएंगी, याद रखना अभी के अभी सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।